एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत और चीन रिश्तों को लेकर आ रही है। आपको पता है कि कल मोल्डो में भारत और चीन के जो कमांडर लेवल की टॉक होती है, उसमें दोनों ही देशों के कमांडर्स ने शिरकत की और अभी तक ऑफिशियल बयान कोई भी चीज निकलकर सामने नहीं आई है। पर जो जानकारों का मानना है उसमें यह है कि भारत और चीन के बीच में कोई भी निर्णायक बात नहीं हुई है। इसके अलावा दोनों ही देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अगले हफ्ते फिर से मिलना चाहते हैं और ये मेल जोल का जो किस्सा है वो अभी और लंबा चलने वाला है। खबरों में निकलकर सामने आया कि चीन भारत से ये कह रहा था कि भारत ने जो हाइट कैप्चर किए हुए हैं उससे वो पीछे हट जाए। भारत का जो मत था कि जो पहले आया है वो पहले पीछे हटेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का रूल भारत की तरफ से लगाया गया और उसके मुताबिक चीन ने पहले अग्रेशन दिखाया, चीन ने अपनी ट्रू बिल्डिंग की, चीन ने ऐसी हाइट्स पर कैप्चरिंग की जो कि भारत की थी या स्टेटस को चेंज करती थी, तो इसलिए चीन सबसे पहले पीछे हटना चाहिए। वहीं देपसांग पर बिल्कुल बात नहीं हुई, चीन इस पर बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। चीन देपसांग में भी भारत को पेट्रोलिंग करने से रोक रहा है। अभी जो बात हो रही थी वो पेंगोंग त्सो लेक के आसपास की हो रही थी और सदर्न जो बैंक है उस एरिया में जो हाइट्स पर भारत ने कैप्चरिंग की है उससे हटने के लिए चीन कह रहा था भारत को और भारत चीन को फिंगर फोर के एरिया से पीछे हटने को कह रहा था। वही बात करें अभ्यास की, जो कि एक पायलटलेस टारगेट ड्रोन आप मान सकते हैं इसको, उसका सफल परीक्षण आज बालासोर में किया गया, उड़ीसा के तट पर किया गया। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इस टेस्ट का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था, डीआरडीओ के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर तो किया ही जा रहा है, इसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि 5 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड को इसको पहुंचना था। इसकी जो रफ्तार थी वो 0.5 मैक तक जानी थी, 30 मिनट का इसमें इंड्योरेंस प्राप्त करना था। इसके अलावा 2G का जो टर्न प्राप्त करना था वो चीज बिल्कुल सक्सेसफुली अचीव कर लिया गया है। अभी इसके इंडक्शन के बारे में बात नहीं की गई है पर डीआरडीओ ने यह कहा है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव लेके इस टेस्ट को परफॉर्म किया गया था वो पूरी तरह से सफल रहे हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी है डीआरडीओ को और एक प्रेस रिलीज डीआरडीओ के द्वारा जारी की गई है। वही बात करते हैं रफेल की, तो 4 और रफेल भारत की तरफ आने वाले हैं और अक्टूबर में ये भारत में अंबाला एयरबेस में लैंड कर जाएंगे। जिस प्रकार से 5 एयरक्राफ्ट पहले लैंड किए थे उसी प्रकार से 4 एयरक्राफ्ट अब और लैंड करने वाले हैं। तो जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं दोनों ही देश अपनी जो ट्रूप की डिप्लॉयमेंट है उसको सुनिश्चित करने के लिए रसद सामग्री की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं और भारत इस तरफ रफेल की डिलीवरी भी प्राप्त कर रहा है जो कि चीन की मुश्किलें थोड़ी बहुत जरूर बढ़ाने वाला है। अभी हमने देखा था कि रफेल फेमिलराइजेशन सॉर्टीज पर गया हुआ है और लद्दाख कई सॉर्टीज की जा रही हैं हमारे पायलटों के द्वारा रफेल के माध्यम से। बात करते हैं अपने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट तेजस की। बहुत दिनों से तेजस की कोई न्यूज नहीं आ रही थी क्योंकि HAL बंद चल रहा था, अब HAL में प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है तो FOC वाले वेरियंट की बात सबसे पहले निकलकर सामने आ रही है। SP-21, SP-22 और SP-23 ऐसे 3 पहले एयरक्राफ्ट होने वाले हैं, FOC वाले एयरक्राफ्ट होने वाले जो कि इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जाएंगे। SP-21 बिल्कुल तैयार है, SP-22 और SP-23 की टैक्सी फ्लाइट होनी है और हाई एल्टीट्यूड और लो एल्टीट्यूड टैक्सी फ्लाइट इसकी होने वाली है। यानी कि कुल मिला के ये बन के बिल्कुल तैयार हो गया है, इसके टेस्टिंग करके इसको इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा, 3 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाएंगे। और इसके बाद SP-24, 25, 26 ये अलग अलग स्टेज पर हैं और इनका भी निर्माण करके जल्द ही इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाना है। आपको पता है कि FOC वाले भी 16 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाने हैं जो कि अभी एक भी एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं हुआ है, तो पहले एयरक्राफ्ट की डिलीवरी जल्द ही HAL सुनिश्चित करना चाह रहा है। बात करते हैं एडवांस टोप आर्टिलरी गन की, जो कि अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने सुना था कि दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और उसका बैरल फट गया था। DRDO ने इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन ग्रुप है उसको बना दिया है और वो अब इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। तो जो ट्रायल 10 दिन से चल रहा था वो अब रुक चुका है, पोखरण में ये ट्रायल हो रहा था, सैटरडे को ये दुर्घटना हुई उसके बाद ये ट्रायल रोक दिया गया है। और जितने भी DRDO के वहां पर लोग थे जो इस ट्रायल को देख रहे थे उनमें से कहा जा रहा है कि 3 से 4 लोगों को थोड़ी थोड़ी सी इंजरी भी हुई थी। तो अब इस ट्रायल को रोक दिया गया है, इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है, केवल और केवल इन्वेस्टिगेशन का काम हो रहा है। DRDO के जो चीफ है उनका यह कहना था कि इस गन की जो जर्नी है उसको बेकार नहीं जाने दिया जाएगा और इन्वेस्टिगेट करके हम इस गन को और थोड़ा बेहतर बनाए जा सकते हैं।
और कुछ लोगों का यह मानना है कि एम्यूनिशन की गड़बड़ी के कारण भी ये दुर्घटना हुई है। तो देखना है कि किस कारण से ये दुर्घटना हुई, इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। वही बात करते हैं नेपाल की। मैंने आपको बताया था कि एक पुस्तक निकलकर सामने आई है नेपाल में, जो कि भौगोलिक मानचित्र रखती है और लोगों को पढ़ने के लिए ये बुक निकाली गई है। और इसमें ये सेल्फ असेसमेंट बुक है, खुद ही आदमी इसको स्टडी कर सकता है नेपाल में। और ये इसलिए निकाली गई है कि जो उन्होंने मैप चेंज किया है, जिसमें भारतीय पार्ट को दिखाया गया है, वो जन जन तक पहुंचे, उनके लोगों तक पहुंचे और उनके मुताबिक सही मैप उन लोगों को पता चले। तो ये किताब अभी 2-3 दिन पहले लॉन्च की गई थी, तो अब इसको, इसका जो वितरण है उसको रोक दिया गया है, क्योंकि इसमें कुछ दिक्कतें हैं, इसमें कुछ तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है, कुछ तथ्य गलत हैं, इस कारण से किताब का डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं किया जा रहा है और इसमें दिए गए तथ्यों की कोई प्रमाणिकता नहीं है, इसलिए इस किताब को आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है। अभी ये अब नहीं चल रही है। पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और होगी, पर्दे के सामने की कहानी मैंने आपको बता दी। बात करते हैं तलवार क्लास फ्रिगेट की, जो कि स्टील फ्रिगेट है। मैंने आपको बताया था बहुत दिन पहले कि रशिया और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड मिलके इस स्टील फ्रिगेट को बनाएंगे। तो 2 फ्रिगेट रशिया ऑलरेडी बनाना स्टार्ट कर चुका है, अब गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भी पहला फ्रिगेट बनाना स्टार्ट कर दिया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को भी 2 फ्रिगेट बनाने हैं और ये कहा जा रहा है कि पहला फ्रिगेट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इंडियन नेवी को 2026 तक डिलीवर कर सकती है। इसका डिजाइन रशियन होने के बावजूद इसमें बहुत सी सामग्री भारतीय लगने वाली है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। इसमें इंडियन बिल्ड रडार लगने वाला है, सोनार सिस्टम लगने वाला है, सेंसर्स लगने वाले हैं, कम्युनिकेशन सूट लगने वाला है और एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम लगने वाला है, जो कि भारत का एक बेहतरीन सिस्टम है। तो मेन जो इसमें सिस्टम लगने वाले हैं वो भारतीय सिस्टम लगने वाले हैं, हालांकि डिजाइन रशियन है, जो कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को, जिसके पास अभी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, एक नई गति प्रदान करेगा। वही बात करते हैं चीन की। तो डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद 3 साल के अंदर चीन ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। अगर LSC पे हेलीपोर्ट की बात की जाए या हेलीपैड की बात की जाए, एयरफोर्स बेस की बात की जाए, एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए, तो कुछ कहा जा रहा है कि 3 से 4 गुने सिस्टम ये सारे वहां पर बढ़ चुके हैं। जानकारों के मुताबिक 2017 के बाद 2019 में 1 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन वहां पर बनाया गया, 4 एयर डिफेंस साइटें बनाई गई और 4 एयरबेस बनाए गए। इसके अलावा 1 हेलीपोर्ट भी बनाया गया। वहीं 2020 में 4 एयरबेस बनाए गए, 4 हेलीपोर्ट बनाए गए और 1 एयर डिफेंस साइट भी वहां पर बनाई गई, जिसमें से लद्दाख स्टैंड ऑफ के बाद ही बाद में लगभग 3 हेलीपोर्ट बना दिए गए हैं या उन पर काम चल रहा है। तो चीन ने डोकलाम स्टैंड ऑफ से क्या सीखा वो आपके सामने है, मैंने आपको बता दिया। भारत ने क्या सीखा अभी तक हमको नहीं पता है। तो भले ही चीन के पास ऐसे सैनिक नहीं है जो कि लड़ने में बहुत तेज हो, पर वो इतने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगा है या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो अपनी इस नाकाबिलियत है उसको छुपा ले रहा है और भारत के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।